जागते रहो। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के महसी इलाके में बच्चों के लिए काल बने आदमखोर चौथे भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। इससे पहले तीन और भेड़ियों को वन विभाग की टीम पकड़ चुकी है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम ने महसी के सिसैया के कछार में भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया था, जिसमें वो फंस गया। चौथे भेड़िए को पकड़े जाने की सूचना पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग के मुताबिक ये चार भेड़ियों का झुंड था जो 8 बच्चों सहित 9 लोगों को शिकार बना चुका था। वन विभाग ने जिसे पकड़ने के लिए प्लानिंग के साथ एक पिंजड़ा लगाया था। सुबह करीब 11 बजे वो उसमें कैद हो गया। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। वहीं वन विभाग के अनुसार अभी 2 और भेड़िए खुले में घूम रहे हैं। ऑपरेशन भेड़िया टीम की अगुवाई कर रहे बाराबंकी के DFO आकाशदीप बधावत ने बताया कि पकड़ा गया चौथा भेड़िया लंगड़ा है, वो शिकार करने में सक्षम नहीं है, इसी वजह से उसे आसान शिकार की तलाश रहती थी। इंसानी बच्चे उसके लिए आसान शिकार थे, इसी लंगड़े भेड़िए के वजह से झुंड के बाकी भेड़िए नरभक्षी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी इसके द्वारा किए गए शिकार को खाया था। उनका कहना है कि ड्रोन कैमरे में 4 भेड़िए ही दिखे थे। बता दें कि बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, करतनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती और गोंडा और बाराबंकी के लगभग 25 टीमें लगी हुई। अब इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के बाकी क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया है। जहां बहराइच के DFO इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं, तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। आज जिस भेड़ियों को पकड़ा गया उसे ट्रैंकुलाइज करने वाले अधिकारी ने बताया कि इसका DNA सैंपल ले लिया गया है और अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ऐसा लगता है कि ये भेड़िया उसी ग्रुप का है। गौरतलब है कि बहराइच जनपद के महसी तहसील के 30 गांवों में पिछले 45 दिनों से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। भेड़ियों के झुंड ने अब तक 8 बच्चों और एक वृद्ध महिला को अपना निवाला बनाया। इतना ही नहीं, भेड़ियों के हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। इलाके की 50,000 की आबादी में भेड़ियों की दहशत ऐसी है कि लोग रात रात भर जाकर पहरा दे रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग सजग है, ड्रोन और थर्मल ड्रोन से मैप किया जा रहा है। दूसरी ओर बचे हुए 2 भेड़ियों की तलाश में पूरी टीम लगाई गई। वहीं गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहराइच के महसी सीट से BJP विधायक सुरेश्वर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर भेड़ियों की खोज में निकले। विधायक ने कहा कि वो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर लोगों के ऊपर खतरा है तो वो बंदूक के साथ खुद निकलकर लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि वो सुरक्षित। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।